हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी बच्चे? तो बच्चे आज हम बात करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका इनर पार्ट कैसा होता है, ओके? और इनर पार्ट में आप कैसे वहां पे कोर डाल देते हो, कैसे आप वाइंडिंग वहां पे पुट अप करते हो, ओके? तो एक एक करके हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो पतली पतली प्लेट्स का बनाया जाता है, ओके? जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मर का कोर आपका ये पतली पतली प्लेट्स को सटा के एक बड़ी वाली कोर आपके पास बना दी जाती है और इसके ऊपर आप वाइंडिंग कर देते हो। जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि ये कोर पे आपने ये वाइंडिंग कर रखी है, ये वाइंडिंग कर रखी है, ओके? अब ये पतली पतली प्लेट्स को जब आप बनाते हो तो पतली पतली प्लेट्स को इस तरीके से लगाते हो कि इनके बीच में एयर गैप ना हो। अगर एयर गैप आ गया तो वहां पे एक करंट डेवलप हो जाता है जिसे आप बोलते हो एडी करंट, ओके? तो इन कोर्स के बीच में एयर गैप को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल भरते हो, ओके? जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके इनर पार्ट में आप क्या करते हो, ऑयल भरते हो। ऑयल भी यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर में होता है वो भी इंसुलेशन का काम करता है, ओके? क्योंकि यहाँ पे जब ऑयल आपने भर दिया तो इस जो कोर आपने डाली और इसके अंदर जो वाइंडिंग आपने पुटअप की, देखो ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर का पार्ट है, तो उसमें क्या होगा कि जहां पे भी आपको एयर गैप का पार्ट दिख रहा होगा वहां पे वो ऑयल आ जाता है, तो ऑयल वहां पे आके अपना काम कंप्लीट कर देता है और वहां से एयर गैप को रिमूव कर देता है। लेकिन कंप्लीटली तो वो रिमूव नहीं कर पाएगा, लेकिन जहां तक हो सकता है वहां तक वो वहां पे रिमूव कर देता है, ओके? तो ये इनर पार्ट होता है और ऑयल यहाँ पे अंदर डाल दिया जाता है, फिर इसको पैक कर दिया जाता है। मतलब अंदर से जो ट्रांसफॉर्मर होता है पूरा का पूरा खोखला होता है, ओके? हम चाहते हैं कि उसके अंदर एयर गैप ना रहे थोड़ा सा भी, ओके? तो इस तरीके से आप ये कोर वहां पे बनाते हो और इस तरीके से वहां पे इसलिए हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल क्यों डालते हैं हम? वहां पे अंदर का जो एयर गैप होता है उसको रिमूव करने के लिए। एयर गैप को क्यों रिमूव कर रहे हो पत्तियों के बीच से? क्योंकि उसको इसलिए रिमूव कर रहे हैं सर एयर गैप को कि वहां पे एडी करंट लॉसेस आपको डेवलप ना हो, ओके? तो आपने इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपने डाल दिया, इस ट्रांसफॉर्मर आपका बन चुका है, ये बाहर से आपने उसको ढक दिया है, ओके? अब ऑयल है ना जो ये आपके पास, ये मेन टैंक है, ये आपके पास मेन टैंक है। इस मेन टैंक में डायरेक्टली आप ऑयल नहीं डाल सकते। अगर आपने डायरेक्टली मेन टैंक में आपने ऑयल डाल दिया तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर अगर लंबे समय तक रन कर गया तो रन करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये ब्लास्ट कर जाएगा, ओके? क्योंकि वहां पे हीटिंग डेवलप होगी, तो हीटिंग डेवलप के कारण आपका ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए आप डायरेक्टली मेन टैंक में नहीं डालते ऑयल को। ऑयल को सबसे पहले आप कंजर्वेटर टैंक लगाते हो, कंजर्वेटर के टैंक के थ्रू आप इसके अंदर डालते हो, ओके? तो आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया। तो सर कंजर्वेटर टैंक के थ्रू हम मेन टैंक में हम यहाँ पे ऑयल डालते हैं। अब जो ये कंजर्वेटर टैंक होता है ये भी आपका हाफ ही भरा रहता है। हाफ क्यों भरा रहता है? क्योंकि जब आपका ट्रांसफॉर्मर वर्किंग कंडीशन पे होता है तो वर्किंग कंडीशन पे होने के बाद इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर हीट डेवलप होती है और हीट डेवलप होने के बाद देखो यहाँ पे भी वो हीट आ जाती है। इस कंजर्वेटर टैंक के अंदर भी आपके पास हीट आ जाती है। जब वो हीट आ जाती है तो वहां पे उस हीट को मेंटेन कर सके, वही हीट को मेंटेन कर सके, इसलिए आप कंजर्वेटर टैंक को आप हाफ भर के रखते हो, ओके? तो कंजर्वेटर टैंक का काम समझ में आ गया, कोर का समझ में आ गया आपको और वाइंडिंग का समझ में आ गया। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पे ब्रेथर, ब्रेथर क्यों लगाया जाता है कि जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर हीटिंग हो जाती है और हीटिंग होने के बाद वहां पे एक प्रकार से वहां पे हीटिंग आपकी यहां से कंजर्वेटर टैंक के अंदर ऊपर आ जाती है तो उसी एयर में आपने देखा होगा कि मॉइस्चर डेवलप हो जाता है। उसी मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए आप क्या लगाते हो, ब्रेथर लगाते हो। ब्रेथर जो बना होता है वो सिलिका जेल का लगा रहता है, ओके? अब ब्रेथर ने वहां पे क्या काम कर देता है कि जो ब्रेथर होता है जो वहां पे आपके पास मॉइस्चर जो डेवलप हुआ उसको ये रिमूव कर देता है, ओके? तो आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ये एक्सप्लोजन वेंट, ओके? अब ये एक्सप्लोजन वेंट क्यों लगाया जाता है? एक्सप्लोजन वेंट आजकल जो बड़े और बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं वहां पे लगाया जाता है कि जब आपके पास ट्रांसफॉर्मर वर्किंग कंडीशन पे है अगर उसके अंदर हीटिंग डेवलप हो जाए तो हीटिंग डेवलप होने के बाद वो हीट कहां पे जाएगी, इस कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाएगी। तो इस कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, कहीं बार उसको वो हीटिंग आपकी मेंटेन नहीं हो पाती है, ओके? और आपका ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट कर जाता है। तो उसी हीटिंग को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे एक्सप्लोजन वेंट लगाते हो, जो कि यहाँ पे बहुत ही बारीक सी पतली सी आपके पास यहाँ पे मेटल्स लगी रहती है, जो कि क्या हो जाता है कि कई बार जब हीटिंग हो जाती है तो सबसे पहले वो इसके अंदर जाके वो ऑयल आपका इधर से बाहर निकल जाए जो यहाँ पे हीट हुआ है, ओके? तो यहाँ पे ये जल्दी से ब्रेक हो जाती है और आपके पास ये ऑयल यहां से बाहर निकल जाता है, तो इससे आपका ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्ट हो जाता है, ओके? तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया, कंजर्वेटर टैंक के बारे में समझ में आ गया, ब्रेथर के बारे में समझ में आ गया, ओके? अब यहां पे आता है बकोल्स रिले।
बकोल्स रिले का काम भी यही है क्योंकि ये यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर मर्क्यूरी स्विच होता है। जैसे ही आपके पास इसके अंदर हीटिंग डेवलप हो जाती है तो मर्क्यूरी स्विच एक दूसरे को टच कर जाते हैं और टच करने के बाद यहाँ पे एक अलार्म बज जाता है, यहाँ पे एक अलार्म भी लगा रहता है, ये अलार्म होता है, ये अलार्म आपके पास यहाँ पे बज जाता है। जब अलार्म आपके पास बज जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रिप हो जाता है और ट्रिप होने के बाद आपका ट्रांसफार्मर आपका वहीं पे काम करना आपका बंद कर देता है। तो मतलब ये एक प्रकार से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो बकोल्स रिले होता है ये कंजर्वेटर टैंक और आपके मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये आपके पास बकोल्स रिले है। ओके तो इतनी सारी चीजें हमारे को समझ में आ गई। अब देखो कि जो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर जब ऑयल डाला जाता है तो उसको जब वो आपका ऑयल खराब हो जाता है तो उसको निकाला भी तो जाता होगा, तो क्या कंजर्वेटर टैंक से हम उस ऑयल को निकालेंगे? नहीं, इससे भी नहीं निकाला जाता। इस ट्रांसफार्मर के नीचे एक वॉल होता है, इस ट्रांसफार्मर के नीचे एक वॉल होता है, उससे उस ऑयल को निकाल दिया जाता है, फिर यहां से नया ऑयल इसके अंदर भर दिया जाता है जब आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल का वैलिडिटी जब खत्म हो जाता है। ओके तो इतनी सारी चीजें हमारे को समझ में आ गई। अब देखो कि यहाँ पे जो ये ट्रांसफार्मर पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये तीन टर्मिनल और यहाँ पे भी देखो ये टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे। देखो बच्चे ये जो तीन टर्मिनल होते हैं ये यहाँ पे आपको पता है कि तो हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज। ओके तो ये हाई वोल्टेज की जो लाइन होती है ट्रांसमिशन लाइन तो वो इससे कनेक्टेड कर दी जाती है और उसके बाद जो ये एलवी वाली होती है ये हमारे घरों तक जो पहुंचती है वो इन टर्मिनल से कनेक्ट की जाती है। ओके तो डायरेक्टली एचवी को तो कनेक्ट नहीं कर सकते ना, अगर एचवी को डायरेक्टली घरों तक कनेक्टेड कर दिया तो हमारे घर में सारी चीजें ब्लास्ट कर जाएगी। ओके तो एचवी के लिए ये टर्मिनल होते हैं और आपके पास एलवी के लिए ये टर्मिनल होते हैं, मतलब तीन टर्मिनल एचवी के हैं तो एलवी के भी आपके तीन टर्मिनल आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ओके अब यहां पे बाहर आती है, बाहर ये जो आपके पास लगी हुई है इसको बोला जाता है भैया कूलिंग ट्यूब। ओके ये जो कूलिंग ट्यूब होती है ये भी एक ही काम है, यहां पे हीटिंग क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल है तो वहां पे हीट करेगा और हीट होगा तो उसको कूलिंग दी जाती है। ओके तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि कूलिंग ट्यूब यूज करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन अभी तक अभी जो नए ट्रांसफार्मर आ रहे हैं वहां पे इनकी जगह पे यहां पे फैन भी आने शुरू हो चुके हैं। ओके तो इनकी जगह पे हम फैन भी यूज करने लग चुके हैं। ओके तो यहाँ पे ये कूलिंग ट्यूब भी क्या करती है, उसी हीटिंग को क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो ये एक एक करके मैंने सारी चीजें बताई। और जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है बच्चे, ट्रांसफार्मर कोर हमेशा याद रखना सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहां पे एडी करंट प्रोसेस को आप रिड्यूस कर सकते हो। ओके तो ये मत कर देना कि ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है सीआरजीओ का हम यूज करते हैं, सीआरजीओ को यूज करते हैं बिल्कुल सही बात है, वो उसकी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उनको वहीं पे यूज किया जाता है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर में। ओके तो हर जगह पे आज सीआरजी को प्रेफरेबल नहीं बोल सकते हो। ओके अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप सिलिकॉन स्टील ही आप क्लिक करके आओगे, क्योंकि यही प्रेफरेबल आपके लिए होता है, क्योंकि सीआरजी आपके लिए कॉस्टली हो जाता है। ऐसे तो माना जाए तो सीआरजी आपका इससे बेटर है सिलिकॉन स्टील से, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन आप प्रेफरेबल किसको बनाओगे, सिलिकॉन स्टील को। ओके तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है ट्रांसफार्मर का एक पार्ट, आपको अंदर से सारा पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसमें कमेंट में जरूर बताना, इस टाइप के लेक्चर में आपको बाद में भी देता रहूंगा। ओके थैंक यू एंड टेक केयर।